का आरएम क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक हम लोग वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से एक बात मैं बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। क्या कह रहा है? दिया गया है कि रूट ए एक्स प्लस बी और क्या दिया है dx, इसको बनाना है हमें प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? अब हम बताए थे कि जब भी आपका रूट में कोई भी फंक्शन हो तो क्या करते हैं कि रूट वाले के अंदर को मान लेते हैं। तो हम मानेंगे इसको, क्या करेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी बराबर हम मान लिए टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डब्लू आर टी एक्स, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स का तो हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा 0, इसका तो काम ख़त्म, बन गया 0। अब ये टी का हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। अब बताइए हमें डी एक्स का मान निकालना होगा ना, क्योंकि डी एक्स को देखिए ये एक्स के रिस्पेक्ट में था, अब तो हो गया ये, अब चेंज हो जाएगा इस ये, तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटा ए। अब हम मान उठाएंगे और जैसे ले आके यहाँ पे चिपका देंगे, तो चिपकाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर वाले को माने हैं टी, तो टी लिख देंगे, डी एक्स के बदले हो जाएगा डी टी बटा ए। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा कि 1/a बाहर आ जाएगा, आएगा ना। अच्छा, रूट का मान होता है आधा, माने रूट का मान होता है आधा, मतलब 1/2, तो टी बराबर ए टी के पावर 1/2 डी टी हो गया। अब बताइए कि जब भी पावर वाला क्वेश्चन मिले तो बताए थे कि यदि पावर वाला एक्स के पावर एन हो, एन है तो इसमें एक जोड़ेंगे उतना ही से भाग, तो 1/2 में एक जोड़िएगा तो 1/2 में एक जोड़िएगा तो आ जाएगा 3/2, और इसका बटा में 3/2 पलट दीजिए इसको, आप प्लस सी, तो ये हो जाएगा कितना, 2/3 ए और टी के पावर 3/2 आप प्लस सी। अब बताइए रूट का तो मान क्या है, आपको क्या माने हैं, एक्स प्लस बी, तो लिख देंगे 2/3 ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये इतना भी आंसर नहीं दिया होगा कि इसको क्या करना होगा कि एक्स प्लस बी लिखना होगा और एक्स प्लस बी के पावर 1/2 लिखना होगा, तब आगे आंसर यहाँ पर हो सकता है और आगे भी जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा है कितना, 7 नंबर। दिया गया है एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, यानी इसका रूप बदलना पड़ेगा। तो रूप बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आप मानना होगा, जो भी रूट के अंदर दिया होगा उसको मानना होगा। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, इसको मानेंगे तो मानेंगे तो करेंगे एक्स प्लस 2 बराबर टी। अब बोलिए एक्स प्लस 2 बराबर टी, जब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो एक्स तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी माइनस 2। एक्स का वैल्यू मेरे को आ गया यहाँ पे, एक्स का वैल्यू मान लो। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे इसका तो एक्स का हो जाएगा 1 और टी का हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। जब ये तीछा तीसरी गुना होगा तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, यानी डी एक्स के बराबर अब क्या हो जाएगा डी टी, पहले एक्स के अब हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। अब मान को उठाएंगे और यहाँ पे चिपका देंगे, तो एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे है टी माइनस 2, है ना, और इसको माने हैं हम रूट में टी, तो टी हो गया और ये हो गया डी टी, डी एक्स के बदला डी टी हो गया ना। अब क्या बताइए, ये रूट है ना, रूट में ना है तो इसका जो मान होता है क्या होता है, बोलिए क्या होता है, टी के पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट का मान क्या होता है 1/2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा टी के पावर 1/2 और टी के पावर 1, कुछ नहीं है, तो जब बेस बराबर हो, जब बेस
बराबर हो तो माथे वाले पके जोड़ देते हैं, तो मुड़ी को दोनों को मुड़ी को जोड़ देंगे, दोनों माथा जोड़ देंगे, दोनों का माथा जोड़ देंगे, पैर दोनों का बराबर है, माथा को जोड़ दो, एक वन प्लस वन बाई टू कितना होगा, वन प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा, टी के पावर तीन बाई टू टू और माइनस टू टी के पावर वन बाई टू, ये हो जाएगा डी टी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हो जाएगा इन लोगों का, इन लोगों का अलग अलग, अलग अलग क्या करो, अलग अलग इन लोगों का ऑपरेशन करो माने इंटीग्रेशन करो, तो ये हो जाएगा टी के पावर तीन बट्टा दो डी टी माइनस दो कॉमन हो जाएगा टी के पावर वन बाई टू डी टी हो गया। अब बताइए, अब ये देखिए टी के पावर तीन तीन बट्टा दो, ठीक यहाँ पर लिख देते हैं टी के पावर तीन बट्टा दो का इंटीग्रेशन एक जोड़िए इसमें, तो पाँच बट्टा दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी के पावर पाँच बट्टा दो और इसका बट्टा पाँच बट्टा दो, माइनस है तो माइनस दो। अब आइए इसमें जोड़िएगा तो टी के पावर तीन बट्टा दो आप टोटल का बट्टा तीन बट्टा दो प्लस सी, अब प्लस सी ये नीचे वाला जाएगा ऊपर चला जाएगा दो बट्टा पाँच टी के पावर पाँच बट्टा दो और माइनस दुगना का चार हो जाएगा और बट्टा तीन टी के पावर तीन बट्टा दो प्लस सी, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो मान दिया है वहाँ पे रख देना है, यहाँ पाँच और एक्स प्लस टू के पावर पाँच बटा दो माइनस चार बटा तीन एक्स प्लस टू के पावर तीन बटा दो प्लस सी, ठीक है। इतना भी आंसर हो सकता है और भी आगे जा सकता है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं कि एक्स प्लस टू के पावर तीन बटा दो कॉमन कर सकते हैं, तो दो बटा पाँच ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू और माइनस चार बटा तीन, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको आप हल कीजिएगा तो हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, इतना भी हो जाएगा और इसको और भी आगे हम लेके जा सकते हैं, हम इतना ही तक लास्ट आंसर लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम बढ़ा दें आपको, तो देखिए इसका हम बढ़ा के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स प्लस टू के पावर तीन बट्टा दो, ठीक है, और ये हो जाएगा गुना कर दिए ऊपर में, देखिए टू में एक्स टू और ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसको लघुत्तम करते हैं सबका तो पंद्रह हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा और पंद्रह हो जाएगा तो यहाँ पे कितना पाँच दिन लघुत्तम पंद्रह तीन 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 दिन के छः एक्स फिर छः उसमें हो जाएगा छः दिन के बारह, ठीक है, और माइनस पाँच पाँचों के बीस और प्लस सी। अब बोलिए अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू के पावर तीन बट्टा दो और ये कितना हो जाएगा बोलिए तो छः एक्स और ये घटेगा तो आठ एक्स, यानी कि छः एक्स और माइनस आठ अब बटा पंद्रह, ठीक है, अब प्लस सी। इसको एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स प्लस टू के पावर तीन बट्टा दो इसमें से कॉमन हो जाएगा कितना टू, तो टू कॉमन कर लेते हैं और बट्टा पंद्रह ये हो जाएगा थ्री एक्स और माइनस फोर और प्लस सी, ये भी आंसर हो जाएगा और यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन रहा सात नंबर, आगे कोई क्वेश्चन देखिए आठ नंबर, आठ नंबर है x इंटू रूट अंडर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए इसको मानेंगे ये आ जाएगा, ठीक है, मान लीजिए क्योंकि रूट वाले को अंदर मानेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है और दूना चार तो एक से आ रहा कट जाएगा, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर बराबर टी, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, ठीक है, तो वन का जीरो और दूना के चार एक्स और ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, यहाँ से क्या हो गया डी एक्स मान निकलेगा, तो डी एक्स बराबर डी टी बटा चार एक्स, मान उठा कर पुट कर दीजिए, तो मान उठा कर पुट करेंगे तो देखिए एक्स तो एक्स रहेगा इसके अंदर वाले को टी माने हैं और डी एक्स के बदला आ गया है डी टी बटा चार एक्स, भाई एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब क्या बचा वन बाई चार कॉमन हो जाएगा और रूट टी और ये हो जाएगा डी टी होगा ना। अच्छा रूट का मान क्या होता है, रूट का बोलिए तो अभी ना बताए हैं हम आपको कि टी के पावर वन बाई टू और ये हो जाएगा डी टी होगा। अब बताइए इसमें हम एक जोड़ेंगे तो इसमें जब हम एक जोड़ेंगे ये हो जाएगा तीन बट्टा दो और बट्टा तीन बट्टा दो और प्लस होगा ना। अब जब इसको पलटिएगा तो है एक बट्टा दो तो पहले से है और दो बट्टा तीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दो बट्टा तीन हो जाएगा और टी के पावर तीन बट्टा दो प्लस सी हो जाएगा, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल। अब बोलिए एक बट्टा तीन और टी का मान क्या माने हैं, टी का मान माने हैं ना वन प्लस टू एक्स का स्क्वायर के पावर तीन बट्टा दो और प्लस सी, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बन रहा है कि नहीं, देखिए आई बराबर क्वेश्चन है कि फोर एक्स प्लस टू
और रूट अंडर दिया है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन और ये dx। देखिए अगर आप इसको मानते हैं तो ये आएगा, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन करने के बाद आएगा। तो देखिए क्या करना होगा, 2 कॉमन कर ले तो 2x प्लस वन और फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा dx। इसमें से दो आप बाहर निकाल लीजिए तो ये दिया जो हो जाएगा कितना 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और ये हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ से जब हम दो कॉमन कर लिए हैं, जब हम दो कॉमन कर लिया तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x का 1 और 1 का 0। इसको मानने के बाद ये आ रहा है ना, इसको मानने के बाद ये आ रहा है ना, तो आपको मालूम है। आप क्या करिएगा, हमको सॉल्व करके और कमेंट में बनाइए बताइएगा कि ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, आप इसको देख कर बता सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। इसमें आपको एक टुक्का लगाना है। इसमें क्या लगाना है कि आप देखिए इसको किसी को भी मानिएगा तो कुछ नहीं आने वाला है। जब कुछ नहीं आने वाला तो ऐसा कंडीशन मिलता है तो क्या करना पड़ता है, रूपांतर करना पड़ता है, यानी कि रूप उसका बदलना पड़ता है। तो रूप बदलने के लिए क्या करेंगे हम, इसको रूप बदलने के लिए इसको क्या करेंगे हम, इसमें से रूट एक्स को कॉमन कर लेंगे। तो रूट एक्स जब कॉमन कर लेंगे तो रूट एक्स बचेगा और माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब बोलिए कैसे हो जाएगा। अब देखिए रूट एक्स में रूट एक्स है एक्स, रूट एक्स में वन से रूट एक्स आया। चलिए अब हम इसको मानते हैं इसको, तो बोलिए रूट एक्स माइनस वन बराबर टी। अच्छा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम होगा ही, क्या होता है बाबू बोलो तो क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई रूट एक्स क्या होता है, वन बाई दो रूट एक्स, और टी क्या क्या होगा, डी टी बटा डी एक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से डी एक्स का मान हो जाएगा मेरा क्या, दो रूट एक्स डी टी हो जाएगा ना, दो रूट एक्स डी टी। अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। तो मान पुट करेंगे क्या है मेरा क्वेश्चन है वन बाई रूट एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। डी एक्स के बदले क्या आ गया, दू रूट एक्स डी टी। आप बोलिए रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरा, बचेगा क्या, दू का मन ये बच गया वन बाई टी और ये हो जाएगा डी टी। तो वन बाई टी के लिए जब भी नीचे सिंगल पावर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस टी। अब टी बराबर क्या माने हैं आप, तो टी बराबर जो भी माने हैं उसको यहाँ पे टी की जगह रख देना होगा। तो आपने माना है रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये रहा मेरा आंसर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।